हेलो फ्रेंड्स, मैं माउंटेन गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज ऑनलाइन का ज़माना है और हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा है। सो दोस्तों, ऐसे में आप रेल टिकट भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ आप रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना है। आप पेटीएम से भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप इस ऐप के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको माई अकाउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। सो इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे मैं अपना पिन डाल लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, अपकमिंग जर्नी देखने को मिल जाएगा, लास्ट ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपकमिंग जर्नी में आपने जो भी टिकट बुक किया है वो दिखाई देगा कि आपका कब आने वाला है जो अपकमिंग जर्नी है। अगर आपको टिकट बुकिंग करना है तो प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना है। अगर आपने टिकट बुक किया है तो माई बुकिंग पर देख सकते हैं। आपको अगर अपने टिकट की इंक्वायरी करना है तो आपको PNR इंक्वायरी मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको ऑर्डर फूड बहुत सारे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपको प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेशन चूज करना है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे यहाँ फ्रॉम पे आप जहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने मैं सतना कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सतना कर लेते हैं। इसके बाद आपको कहाँ जाना है वो चूज करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कर लेना है, जैसे सतना से रीवा में कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लास, आप किस क्लास में मतलब टिकट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर स्लीपर में चाहिए तो आप स्लीपर कर सकते हैं, AC में कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑल क्लासेस है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जनरल में जाना चाहते हैं लेडीज तत्काल, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि आप किस डेट को अपना टिकट बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 20 फरवरी कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं फ्लैक्सीबल भी डेट, यहाँ पे दिव्यांग, और ये सारे यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे आपको सिंपली फ्लेक्सिबल विथ डेट पर तो करना ही है। इसके बाद आपको सर्च करना है ट्रेन को, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे जो भी अवेलेबल ट्रेन होगी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आ रही हैं। जैसे यहाँ पे आप रही है JBP रीवा स्पेशल, इसका यहाँ पर ट्रेन नंबर है। इसी तरह नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल सीट जो है देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी कोच में बुक कराना है उस पर आप सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीपर है, इस पर क्लिक कर लें। और यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा कि ये सतना से कब चलेगी और रीवा कब पहुँचेगी। सो यहाँ पे ये देखने के बाद आपको पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक करना है और अपना नाम डालना है, या फिर जिसका भी टिकट बुक करना है उसका नाम डालना है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसके बाद एज करना है, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद बर्थ प्रेफरेंस में आपको ये करना है कि आपको कौन सा सीट चाहिए, लोअर मिडिल अपर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं लोअर कर लेता हूँ। इसके बाद नेशनलिटी करना है। इसके बाद आपको एड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पैसेंजर एड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप किसी दूसरे रिलेटिव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपका टिकट आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल में आ जाएगा। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं बुक ओनली कन्फर्म बर्थ अलॉटेड। यहाँ पे आपको ये कोच छोड़ देना है, या फिर आप यहाँ पे भर भी सकते हैं।
अपने हिसाब से अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको रिजर्वेशन च्वाइस देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं इनमें से अगर लोअर चाहिए, दोनों चाहिए आप, इसमें कंडीशन है तो यहाँ पे कर सकते हैं बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड। इसके बाद आपको जहाँ जाना है उसका एड्रेस डालना है, जैसे यहाँ पे रीवा डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शनल एड्रेस है इसमें भर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड डालना है, यहाँ पे आपको ये भर लेना है अपने से सही से, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट मोड में आप UPI कर सकते हैं या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मैं UPI कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 रुपये इसका चार्ज लगेगा। यहाँ पे आप चाहें तो नीचे इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 49 पैसे लगेगा। तो यहाँ पे एस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा भी डालना है, यहाँ पे छूट रहा है। ये कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है और इसके बाद ये आपको यस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे भीम UPI में टिक कर लेना है। आप UPI से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे UPI ID डाल के और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा और आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।